दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई आप एक मतलब 10-15 मिनट में अपनी एक वेबसाइट को कैसे लॉन्च कर सकते हो, कैसे वर्डप्रेस के ऊपर अपना एक ब्लॉग वेबसाइट जो है वो बना सकते हो। भाई लोगों आप देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में यहाँ पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे दोस्तों आप जैसे कि देख पाए एक वेब होस्टिंग कंपनी है जीपीडी होस्ट, जिसकी होस्टिंग दोस्तों आज हम यूज करने वाले हैं अपने इस वेबसाइट ट्यूटोरियल के लिए। अब ऐसा क्यों है कि मैं आपको इस पेज के ऊपर लेके आया हूँ दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको इसके फीचर्स बताना चाहता हूँ जिसकी होस्टिंग आज हम इस ट्यूटोरियल में यूज करेंगे, क्योंकि इसकी जो फीचर्स है और इसकी जो प्राइसिंग है बहुत ही लाजवाब है। दोस्तों देखिए इनके जो प्लान्स हैं वो $0.99 से जो है वो स्टार्ट होते हैं, $0.99 लगभग $1, जिसका प्राइस जो है दोस्तों वो 65-66 इंडियन रुपीस में आता है। तो दोस्तों देखिए 66 रुपीस में आपको यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे आप एक वेबसाइट जो है वो होस्ट कर सकते हो। SSD ड्राइव आपको यहाँ पे मिलने वाली है जो कि काफी ज्यादा फास्ट होती है, 2GB की आपको यहाँ पे डिस्क स्पेस मिलने वाली है, 1 MySQL डाटाबेस मिलने वाला है। अगर बाकी प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए 1 वेबसाइट, SSD ड्राइव, 5GB स्टोरेज और 2 MySQL डाटाबेस, और बाकी भी आप देख सकते हो। बट आज की इस ट्यूटोरियल में हमने जो है वो स्टार्टर प्लान यूज किया है, क्योंकि अगर आप भी एकदम शुरुआत से अपनी वेबसाइट को स्टार्ट करें तो आपको यही प्लान मैं रेकमेंड करता हूं। और इन सबके बीच में दोस्तों आपको 66 रुपये में एक जो है वो फ्री डोमेन भी मिल रहा है। अब देखिए दोस्तों GoDaddy में आप डोमेन लेना चाहते हो तो वहां पे भी उसका जो प्राइस है वो लगभग इतना ही होता है, 99-127 रुपीज लगते हैं टैक्स के साथ। तो देखिए अगर आप डोमेन लेने जाते हैं तो आपको वहां पे इतने का डोमेन ही मिलता है, बट यहां पे आपको पूरी की पूरी वेबसाइट होस्टिंग मिल रही है एक मंथ के लिए। तो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑफर है यार, होस्टिंग भी मिल रही है और डोमेन भी मिल रहा है, और 67-68 रुपीज पर मंथ देना हो तो कुछ ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों बात करेंगे अब इस वेबसाइट की फीचर्स के बारे में, तो ये वेबसाइट आपको बहुत ही अफोर्डेबल होस्टिंग जो है वो देती है, जैसा कि आप देख पाएं नीचे ये कुछ इस तरह के आपको डोमेन्स भी जो है वो मिल जाते हैं। अब दोस्तों जब आप इनकी होस्टिंग ले लेते हो तो जो आप अपना ईमेल आईडी दोगे वहां पे अब आपको इनकी तरफ से एक मेल आता है, तो ये मेल आता है। अब अगर दोस्तों आप यहाँ पे मतलब सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग लेना चाहते हो तो आपको बता दूं यहाँ पे आप नेम सर्वर, अगर आप देख पा रहे हो तो ये नेम सर्वर आपको, अगर आप GoDaddy से डोमेन लेते हो तो ये नेम सर्वर आपको GoDaddy के अकाउंट पे लगाने पड़ेंगे। बट हमें यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा कि फ्री एक डोमेन मिला है तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देख पाए यहाँ पे आपको जो है वो सी पैनल मिला है, सी पैनल के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या है ये सी पैनल। तो दोस्तों देखिए अपने सी पैनल में जाने के लिए आपको यहाँ पे जो है वो कंट्रोल पैनल URL मिलेगा। जब आप इस होस्टिंग को बाय करते हो तो आपने क्या करना है दोस्तों, ये जो ऊपर वाला कंट्रोल पैनल URL है, ये IP एड्रेस आपने इस पे जो है वो क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों आपको जो है वो एक यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। अब ये यूजर नेम पासवर्ड आपको बाय मेल आएगा इनकी तरफ से जिनकी आपने होस्टिंग ली है। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो डाल लेता हूँ। तो दोस्तों यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल जो है वो लॉग इन पे क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों आपका जो सी पैनल खुल चुका है, अब सी पैनल दोस्तों कंट्रोल पैनल भी से आप बोल सकते हैं। अब ये जो प्लान था दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं आपको इनमें जो है वो क्या क्या मिला है। दोस्तों ये जो होस्टिंग है ये आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ प्रोवाइड करती है, अगर आप GoDaddy की बात करो तो वैसा नहीं करता है। मेलिंग लिस्ट डिस्क के लिए स्टोरेज अलग है, MySQL के लिए 5GB मिलता है, और जो डिस्क यूजेज होगा जो आपकी वेबसाइट की स्टोरेज होगी उसके लिए आपको जो है वो 5GB जो है वो मिल जाती है, और ईमेल अकाउंट्स भी यहाँ पे आपको 10 मिल जाते हैं। बट बात यहाँ पे ये यह कि आप सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट कर पाओगे इस प्लान से। अब अगर बात करें दोस्तों ये कंट्रोल पैनल क्या होता है, दोस्तों ये कंट्रोल पैनल वो चीज है जहां से दोस्तों आप अपनी पूरी वेबसाइट को जो है वो मैनेज करते हो। अब यहाँ पे आप जो है वो अपनी वेबसाइट से पोस्ट तो नहीं डाल पाते हो, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। बट ये जो चीज है यहाँ पे आपकी एक हिसाब का आपकी जो स्मार्टफोन होता है उसमें आपका मेमोरी कार्ड होता है जिसमें आप अपनी स्टोरेज रखते हो, तो ये एक हिसाब का आपका स्टोरेज और आपकी वेबसाइट का जो है वो CPU है। तो आप देख सकते हो दोस्तों इसमें आपको काफी ज्यादा फीचर्स मिलते हैं, काफी ज्यादा IP ब्लॉकर से लेके जो है वो बैकअप के हर जो मतलब हर एक डाटा बैकअप होता है उसका हर एक ऑप्शन मिल जाता है। अगर ऊपर चलूं तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल मैनेजर, जहां से आप अपनी वेबसाइट को जो है वो उसमें जो कुछ भी आप फाइल्स अपलोड करना चाहते हो वो कर सकते हो।
और खास बात है दोस्तों, ये जो जीपी होस्ट है इनका अपना ऐप इंस्टॉलर है, मतलब यहाँ पे आपको सॉफ्ट क्लोज के जो ऐप इंस्टॉलर उनका यूज नहीं करना पड़ेगा। अब ये ऐप इंस्टॉलर क्या होता है दोस्तों, ऐप इंस्टॉलर होता है अगर आपके पास कोई भी कोडिंग स्किल नहीं है और आप अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हो वर्डप्रेस पे, और सिर्फ वन क्लिक पे आपकी जो है वो वेबसाइट जो है वो बन जाती है। तो अगर आप देख पाए दोस्तों यहाँ पे ये जो सारे है, ये सारे दोस्तों स्क्रिप्ट्स होती है जो कि आपको अलग अलग चीजों में काम आती है। अब ये जो वर्डप्रेस है ये दोस्तों काम आती है ब्लॉगिंग के लिए, जूमला भी दोस्तों ब्लॉगिंग के लिए यूज होती है, द्रुपल भी ब्लॉगिंग के लिए यूज होती है, प्रेस्टाशॉप और ये जो मैग्नेटो है, ये दोनों दोस्तों जो है वो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए यूज की जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है वो वर्डप्रेस के ऊपर अपनी साइट को जो है वो इंस्टॉल करोगे, क्योंकि हम एक जो ब्लॉग बनाने वाले हैं, आइए सीखते हैं .NET के ऊपर। तो दोस्तों देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है, आपने इंस्टॉल के ऑप्शन पर जो है वो क्लिक कर देना है। अब इंस्टॉल के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पे देखिए आपको एक जो है वो प्रोटोकॉल चूज करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है दोस्तों इसमें आपको SSL नहीं मिलता है, तो आपने यहाँ पे HTTP जो www वाले को सिलेक्ट करना है। अगर आपको HTTPS का नहीं पता है तो दोस्तों वो एक सिक्योर सर्वर होता है, बट इसमें आपको जो है सिक्योर सर्वर के लिए अलग से चार्जेस देने पड़ते हैं और ना ही कोई अदर होस्टिंग प्रोवाइड कंपनी इस प्राइस पे आपको ये चीज देगी। तो देखिए यहाँ पे आपने अपना जो डोमेन है वो चूज कर लेना है। दोस्तों ये डायरेक्टरी जो होता है इसको आपने हमेशा इरेज करना है, ये किसी काम की नहीं है। तो देखिए दोस्तों नीचे जाके आपको यहाँ पे अपनी साइट का नेम लिखना है, ये बात ही चीज अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, बट मैं जस्ट आपको एक दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। और नीचे आप अपनी टैगलाइन जो भी है वो लिख सकते हैं, और नीचे दोस्तों मेन चीज है यहाँ पे आपने अपना एडमिन जो अपना यूजर नेम पासवर्ड होता है वो लिखना है, एडमिन यूजर नेम पासवर्ड, लाइक आपका FB का जो अकाउंट होता है, फेसबुक का अकाउंट होता है, वहां पे आप डालते हो, तो सेम चीज दोस्तों आपने जो है वो यही यहाँ पे डालना है। देन दोस्तों देखिए नीचे आपको जो है वो एडमिन ईमेल के बारे में पूछेगा, तो देखिए यहाँ पे एडमिन ईमेल उन्होंने आपको फ्री दिया था, admin@iasikhtehain.net। नीचे वो आपको लैंग्वेज के लिए पूछेगा, और यहाँ पे दोस्तों सिलेक्ट प्लगइन्स, आपको एक इनबिल्ट प्लगइन मिलता है एक सिक्योरिटी के तौर पे कि लिमिट लॉगिन अटेम्प्ट्स, अगर 3 बार कोई जो है वो आपकी वर्डप्रेस साइट में आके अगर वो गलत यूजर ने पासवर्ड लगाएगा तो आपकी वेबसाइट 20 मिनट की जो है वो बंद कर दी जाएगी। बट मैं फिलहाल के लिए इसको रहने देता हूं और मैं यहां पे सिंपल जो है वो इंस्टॉल के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देता हूं। दोस्तों आप देख सकते हो यहां पे आपकी जो होस्टिंग है वो क्रिएटेड की जा रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और देखो भाई लोग आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुकी है, यहाँ पे देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन दैट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल सक्सेसफुली। अब जब दोस्तों हम अपने इस डोमेन पे क्लिक करेंगे, सो दोस्तों आप देख सकते हो हमारी जो वेबसाइट थी आइए सीखते हैं .NET से जो है वो लाइव हो चुकी है। बहुत ही आसान स्टेप था यार एक वेबसाइट को जो है लाइव करना, खासकर वर्डप्रेस के ऊपर। देखो कुछ भी टाइम यहाँ पे नहीं लगा है और काफी अच्छी स्पीड के साथ आपकी जो वेबसाइट जो खुलती है काफी, क्योंकि इनको इन्होंने जो आपको वो अनलिमिटेड बैंडविड्थ दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों हमने अपनी वेबसाइट को मैनेज कैसे करना है, यहाँ पे देखिए अगर आपको देख पाए तो यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर URL का ऑप्शन मिल रहा है, आपने एडमिनिस्ट्रेटर URL के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सीधे इन्होंने डैशबोर्ड खोल दिया, बट कई बार आपसे वो आपका ID पासवर्ड पूछेगा, यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा जो कि हमने वहां पे भरा था। अब भाई लोगों आपके दिमाग में ये बात खड़क रही होगी कि यार ये वर्डप्रेस क्या है। दोस्तों वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको विदाउट एनी कोडिंग स्किल आपको एक वेबसाइट खड़ी करके दे सकता है, एक प्रोफेशनल टाइप आप इस पे अपनी वेबसाइट बना सकते हो, कोई छोटी मोटी वेबसाइट नहीं दोस्तों, एक प्रोफेशनल वेबसाइट आप विदाउट कोडिंग स्किल मेरे ख्याल से वर्डप्रेस के ऊपर बना सकते हो, क्योंकि जो इसका इंटरफेस है बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो इसमें काफी ज्यादा आप देखिए यहाँ पे आपको ये जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड मिलता है, तो डैशबोर्ड में देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो, आप यहाँ पे अपने पोस्ट डाल सकते हो, यहाँ पे आपको पोस्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप अपने जो भी पोस्ट डालने हैं वो डाल सकते हो, मीडिया पेजेस बना सकते हो, जो लोग आपको कमेंट्स करते हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हो, अपीयरेंस में आप अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। प्लगइन दोस्तों लाइक कोई भी जो एंड्रॉइड एप्लीकेशंस होती है उनका काम होता है, तो सेम वेबसाइट्स में भी ये एप्लीकेशंस यूज की जाती है जिनको आप प्लगइन्स बोलते हो। ये यूजर्स है, आप कितने यूजर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। टूल्स मिलते हैं दोस्तों इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए अपनी वर्डप्रेस साइट को, और ये सेटिंग होती है आपकी वेबसाइट के लिए। अब देखिए दोस्तों मैं पूरा आज ही आपको समझा दूं कि भाई एक वेबसाइट कैसे आपने पूरी वो क्रिएट करनी है तो काफी टाइम लगता है एक प्रोफेशनल वे से, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा जो मेन चीजें होती है वो यहाँ पे कवर कर पाऊं। तो देखिए दोस्तों आपकी जो वेबसाइट लाइव है और थीम देखो आप कुछ इस तरह की थीम लगी हुई है। अब चाहते हो आप इसकी थीम को चेंज करना, थीम का मतलब दोस्तों टेम्पलेट चेंज करना अपनी वेबसाइट का जो कि आपको वर्डप्रेस इनबिल्ट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे देखिए आपने अपीयरेंस पे जाना है, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे आपको अपीयरेंस का ऑप्शन मिलता है, आपने अपीयरेंस पे जाना है। अपीयरेंस के जाने के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे थीम्स का ऑप्शन मिलेगा, आपने थीम्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
सो भाई लोग आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ थीम्स आपको दिखा रहा है, बट यहाँ पे आपने क्या करना है, ऊपर आपको एड न्यू का जो है वो ऑप्शन मिलेगा, आपने एड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एड न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको हजारों जो है वो थीम्स नजर आने लग जाएंगी। सो भाई लोगों एग्जांपल के तौर पर मैं सबसे पहले ये जो थीम थी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब आपकी मर्जी है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ये थीम को। तो आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है, आपने इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करना है ताकि आपकी ये थीम है आपके इस होस्टिंग सर्वर पर इंस्टॉल हो जाए। तो दोस्तों देखिए जब ये इंस्टॉल हो जाएगी आपको नीचे यहाँ पे एक्टिवेट का ऑप्शन मिलेगा, आपने सिंपल उस एक्टिवेट के ऑप्शन पे जो है वो क्लिक कर देना है। तो देखिए भाई लोग आपकी जो थीम है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम अपनी वेबसाइट पे जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं और देखना इस वेबसाइट का लुक जो है वो कैसे चेंज होता है। सो देखिए भाई लोगों यहाँ पे आइए सीखते हैं, आज जो हमने टाइटल डाला था अपनी वेबसाइट का, और वेबसाइट पूरी ही तरह चेंज हो चुकी है। ऊपर दोस्तों आपको ये जो चीज दिख रही है ब्लैक ब्लैक कलर की, ये इसलिए दिख रही है क्योंकि दोस्तों इस समय मैंने अपनी होस्टिंग सर्वर पे वर्डप्रेस पे जो है वो इसको लॉगिन किया है। अगर आप इसको लॉग आउट कर दोगे तो ये जो बाहर होगी ये हट जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को ही शो होगी। और आप देख सकते हो दोस्तों आपकी थीम कुछ इस तरह की इंस्टॉल हो चुकी है और आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह की ये बन चुकी है। दोस्तों यहाँ पे आपको मैंने पूरी एक प्रोफेशनल वे से बताया है कि कैसे आप एक मतलब अपने होस्टिंग प्रोवाइडर से कैसे आप यहाँ पे अपनी वर्डप्रेस साइट को इंस्टॉल करते हो और कैसे अपनी उस वर्डप्रेस साइट को जो है वो लाइव करते हो। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह का ये जो है वो जीपीडी होस्ट आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसा कि आपने देखा काफी कमाल का प्लेटफॉर्म था और काफी अच्छा है। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको MySQL आपको डाटाबेस जो आपका वो फुल हो चुका है क्योंकि हमने जो अपनी वेबसाइट एक को लाइव कर लिया है। अगर दोस्तों आप ये पूरा इस वर्डप्रेस के ऊपर जानना चाहते हो कि यार पोस्ट कैसे डालते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, तो आप दोस्तों जो है वो मेरे चैनल पे एक बार आके विजिट कीजिए। वहाँ पे मैंने पूरी अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि कैसे आपने इस वेबसाइट पे जो है वो अपना मीनस तैयार करना है, ये जो मीनस होता है। और दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मेरा सिर्फ एक मकसद था कि आपको बता पाऊँ कि अपनी वर्डप्रेस साइट को जो है वो लाइव कैसे करते हैं।